बाउंड्री की तरफ के अलग अलग नाम, जैसे फाइन लेग, थर्ड मैन पॉइंट, कवर्स, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और भी बहुत कुछ। लेकिन आसान भाषा में हम इसको दो साइड में डिवाइड कर देते हैं, ऑफ साइड और ऑन साइड। सौरव गांगुली जैसे कुछ खिलाड़ी ऑफ साइड में बहुत शानदार खेलते हैं और विराट कोहली, जॉस बटलर, संजू सैमसन जैसे कुछ दिग्गज लेग साइड पर कमाल करते हैं। अगर इस लिस्ट में ऑलराउंडर्स को जोड़ दें तो ऑन साइड की तरफ शानदार खेलने वालों में नाम शामिल होगा हार्दिक पंड्या, ग्लेन मैक्सवेल और लियम लिविंगस्टन का। लेकिन आप जानते ही होंगे इनसे पहले भी बहुत खिलाड़ियों ने इस दिशा में बहुत शानदार खेल दिखाया है और आज हम आपको उन्हीं में से एक का किस्सा सुनाने वाले हैं। अब आप इससे पहले सोचे कि भाई इसमें खास क्या है, इस दिशा में तो कई सारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल दिखा चुके हैं, तो रुकिए जरा सुनिए इस किस्से में खास क्या है। ये किस्सा जॉन विजडन का है, वही जॉन विजडन जो विजडन क्रिकेट अल्मानैक के फाउंडर है। इन्होंने एक बार एक मैच में 10 के 10 बल्लेबाजों को बोल्ड कर दिया था। जी हाँ, साल 1850 में जॉन ने ये कारनामा किया था और आज हम आपको ये किस्सा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आज ही के दिन हुआ था, लॉर्ड्स में नॉर्थ और साउथ के बीच हुए एक मैच के दौरान। इस मैच में नॉर्थ के बेस्ट खिलाड़ी और साउथ के बेस्ट खिलाड़ी एक दूसरे के सामने थे। करीबन 172 साल पहले हुए इस मैच के टॉस की जानकारी तो रिकॉर्ड्स बुक में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि साउथ की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी। इस टीम में उस समय के बड़े नाम बिली गेफिन, निकोलस फेलिक्स, एल्फ्रेड मिन और जेम्स लिली व्हाइट जैसे बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन मैच की पहली पारी में इनमें से कोई नहीं चल पाया था, कोई भी खिलाड़ी 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। बिली गेफिन ने सबसे ज्यादा 9 रन बनाए थे और इस टीम के इस बुरे हाल के जिम्मेदार नॉर्थ के सिर्फ 2 गेंदबाज थे जिन्होंने कुल मिलाकर इस टीम के 9 विकेट निकाले। विलियम क्लर्क ने 6 और जॉन विजडन को 3 विकेट मिले। बचा हुआ साउथ का एक खिलाड़ी रन आउट हुआ था। पूरी टीम ने मिलकर कुल 36 रन बनाए थे। अब जवाब में नॉर्थ की पारी भी ज्यादा खास नहीं रही थी। ये टीम भी एक समय पर 53 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। नॉर्थ के टॉप पर 8 खिलाड़ियों में से सिर्फ 2 खिलाड़ी 10 का आंकड़ा पार कर पाए थे। जॉर्ज पर ने 17 और रॉबर्ट किंग ने 13 रन की पारियां खेली थी। इसके बाद नीचे के 3 बल्लेबाजों ने टीम के लिए रन जोड़े। पहले 3 विकेट निकाल कर आए जॉन विजडन ने अब बल्ले से रन बनाए और उन्होंने 22 रन की पारी खेली। उनके अलावा 6 विकेट निकालने वाले विलियम क्लर्क ने 13 रन बनाए और लॉर्ड गर्नसी ने नॉट आउट 27 रन की पारी खेली। इनके साथ एक्स्ट्रा 22 रन के दम पर साउथ की पहली पारी 131 रन पर सिमटी। टीम के पास 95 रन की लीड आ गई थी। अब साउथ एक बार फिर बढ़त बनाने के मकसद से उतरी, लेकिन इस बार कुल 3 खिलाड़ी 10 का आंकड़ा पार कर पाए। ओपनिंग पेयर एक बार फिर नहीं चला। बिली गेफिन ने फिर सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। इनके साथ जेम्स चेस्टर और एल्फ्रेड मेन ने 17-17 रन की पारियां खेली। साउथ इस बार कुल 76 रन बना पाई और इनको रोकने का काम किया जॉन विजडन ने। जॉन ने 10 विकेट निकाले और मजेदार बात ये रही कि ये सारे विकेट उन्होंने बैटर्स को बोल्ड करके लिए थे। और ओवरऑल बात की जाए तो इस मैच में दोनों टीम्स ने एक दूसरे के स्टंप्स पर अटैक किया था क्योंकि 25 खिलाड़ी बोल्ड हुए थे। जॉन अपने जमाने में बहुत शानदार फास्ट बॉलर थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 1109 विकेट हैं और बॉलिंग के साथ उन्हें बैटिंग भी खूब आती थी। 2 शतक के साथ उनके नाम 186 मैच में 4140 रन भी हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने, मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।